नमस्कार दोस्तों हमने कई मूवीज में मल्टी यूनिवर्स के बारे में देखा है कई लोगों से इसके बारे में सुना भी है पर क्या हमें पता है कि हमारे वेदों पुराणों में मल्टी यूनिवर्स का जिक्र कई हजार साले साल पहले हो चुका है जैसे हमने सुना है कि देवताओं और राक्षसों के बीच समंदर मंथन हुआ था जो कि रत्नागर सागर में किया गया था पर आपको जानकर हैरानी नहीं होती कि रत्नागर नाम का सागर समुद्र धरती पर है ही नहीं इससे हमें पता चलता है कि रत्नागर सागर किसी और यूनिवर्स में किसी और पृथ्वी पर मौजूद है जिसके ऊपर देवताओं और राक्षसों का समंदर मंथन किया गया होगा पर दूसरी दुनिया में कहीं और मौजूद है दूसरा उदाहरण लेते हैं एक बार एक राक्षस हमारी पृथ्वी को किसी और दुनिया के समुद्र में जाके छिपा दिया था तो विष्णु भगवान ने विरावतार लेकर वहां से धरती को लाके उसी स्थान पे वापिस रखा था तो हमें यह पता चलता है कि वो यूनिवर्स अलग था वो मल्टी यूनिवर्स वो दूसरा यूनिवर्स था तो ये सबूत मिलता है कि हमारे वेदों पुराणों में यूनिवर्स मल्टी यूनिवर्स का जिक्र पहले भी हो चुका है धन्यवाद